किडनी फेलियर के जो पेशेंट डायलिसिस पर है उनके लिए ये गाना एकदम सटीक बैठता है। जिसका कोई इलाज नहीं उसका तो डायलिसिस है यारो। जी हम देखते हैं कि सीकेडी के सारे पेशेंट अगर डायलिसिस शुरू हो जाए कंफर्टेबल हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यही इलाज है। लेकिन क्या आपको लगता है डायलिसिस 100% सेफ है? जी बिल्कुल भी नहीं है, डायलिसिस 100% सेफ नहीं है। इसके अपने साइड इफेक्ट्स है, कुछ साइड इफेक्ट्स थोड़े से नुकसान देने वाले हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भयंकर नुकसान देने वाले हैं। हम दोनों की बात करेंगे, पहले वो साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे जो शायद थोड़ा बहुत आपको पता है, उसके बाद हम वो साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं, आपको पता नहीं, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स आपके किडनी के लिए, आपके लाइफ के लिए और आपके पूरे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। हम दो तरह से साइड इफेक्ट्स की बात करने वाले हैं। डायलिसिस एक ऐसी मेडिकल प्रोसीजर है कि जब किडनी फंक्शन नहीं कर रही है और किडनी फंक्शन नहीं करने के कारण शरीर में यूरिया और अदर केमिकल टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो रहे, जमा हो रहे ब्लड में, तो डायलिसिस मशीन या हीमोडायलिसिस मशीन ब्लड को साफ करने का काम करती है। और जो लक्षण उस समय है, किसी को जी मिचला रहा है, उल्टी हो रही है या वीकनेस बहुत लग रहा है, या जो भी लक्षण उस समय होते हैं उन्हें रिलीफ देने का काम करती है। अब आपने देखा कि डायलिसिस बहुत काम की चीज है। अगर किडनी फेलियर है और यूरिया बढ़ता जा रहा है, क्रिएटिन बढ़ता जा रहा है और इसका बैक प्रेशर इफेक्ट हार्ट पर आता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पेट में पानी जमा हो सकता है, पूरे शरीर में पानी जमा हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड के कारण अगेन हार्ट अटैक के चांसेस, अरिथमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसे स्थिति में यूरिया का निरंतर लगातार बढ़ना, क्रिएटिन का बढ़ना, उधर पोटेशियम का बढ़ना, ये जानलेवा साबित हो सकता है। और ऐसे जानलेवा स्थिति में जब हीमोडायलिसिस शुरू किया जाता है तो ये जानलेवा स्थिति, जो क्रिटिकल स्थिति आ रही है या आ चुकी है, उसमें से थोड़ा रिलीफ मिलता है। अब जब थोड़ा रिलीफ मिलता है तो क्या ये अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। हीमोडायलिसिस ऐसे केसेस में जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी है और करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। खास करके अगर हम एक्यूट किडनी फेलियर की बात करें तो एक्यूट किडनी फेलियर में तेजी से यूरिया बढ़ना शुरू होता है और डायलिसिस करते हैं तो तेजी से कम भी हो जाता है और रिजल्ट्स एकदम ड्रामेटिक मिलते हैं। क्रॉनिक किडनी फेलियर या क्रॉनिक सीकेडी जो होता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, इसमें यूरिया ज़्यादा नहीं बढ़ता, इसमें क्रिएटिन ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर क्रिएटिन बहुत ज़्यादा है तो डायलिसिस बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन डायलिसिस फिर लगातार करना होता है, किसी को वीक में 2 बार, किसी को वीक में 3 बार, किसी को वीक में 1 बार, ऐसे डायलिसिस बताया जाता है। और ये वीक में 2 या 3 बार करने से, डायलिसिस को लगातार करने से धीरे धीरे बॉडी में जो सिम्टम्स आए हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कुछ दिनों के लिए ही कम होते हैं और बाद में बढ़ना शुरू होता है या फिर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन डॉक्टर्स या स्पेशलिस्ट किडनी फेलियर के डायलिसिस वाले करीब करीब सभी पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट का सजेशन देते हैं। सो किडनी फेलियर हुआ, अगर लक्षण आए, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यूरिया क्रिएटिन बढ़ रहा है, तो डायलिसिस शुरू किया जाता है और डायलिसिस कुछ दिनों करने के बाद ये जाते हैं पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट की ओर। सो फाइनल हम देखेंगे कि किडनी फेलियर पेशेंट की राह तय है। अब ये डायलिसिस जब करते हैं तो ये कुछ फिक्स टाइम के लिए शुरू नहीं होता कि 6 महीने के लिए डायलिसिस कर रहे हैं या 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, ये जनरली निरंतर लगातार शुरू होता है। पता है क्यों? क्योंकि डायलिसिस इलाज नहीं है, डायलिसिस है स्वच्छ शरीर अभियान, डायलिसिस है स्वच्छ ब्लड अभियान, डायलिसिस है कचरा साफ करने का माध्यम। तो क्या डायलिसिस सिर्फ साफ सफाई माध्यम है? जी हाँ, डायलिसिस बेसिकली साफ सफाई करता है और डायलिसिस किडनी को सुधारने में हमारी मदद नहीं करता। तो चलिए तुरंत जानते हैं किडनी फेलियर में डायलिसिस के क्या क्या साइड इफेक्ट्स या बुरे परिणाम हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, दो तरह से हम ये बुरे परिणाम डिस्कस करेंगे, एक जो कॉमनली शायद आपको पता है और दूसरे जो अनकॉमन है, कभी आपने सुने नहीं है और बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं, ये हम आखिर में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कॉमन साइड इफेक्ट जो है डायलिसिस के उसकी ओर। सबसे पहला और कॉमन साइड इफेक्ट है डायलिसिस के दरमियान ब्लड प्रेशर कम होना। तो
तो ये ब्लड प्रेशर का कम होना यानी कि हाइपोटेंशन की वजह से चक्कर आना या फिर थकान आना, ऐसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। डायलिसिस में हम ब्लड से जो भी केमिकल टॉक्सिन्स जमा है, यूरिया जमा है, इन सबको फिल्टर करते हैं और फिर डायलिसिस मशीन के द्वारा उसे बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम। तो ये इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की स्थिति पैदा हो सकती है और जैसे जो जो इलेक्ट्रोलाइट कम होंगे उनके हिसाब से लक्षण भी आएंगे। तीसरा, मसल क्रैम्प्स। अब ये मसल क्रैम्प्स भी अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस के कारण होता है, लेकिन मसल क्रैम्प्स काफी कॉमन है इसलिए अलग से डिस्कस करना जरूरी है। तो मसल क्रैम्प्स जब आते हैं तो पांव में ऐंठन सी आती है और चलना मुश्किल हो सकता है, थोड़ा रेस्ट करना पड़ सकता है या इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट भी करने पड़ सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ कॉमन साइड इफेक्ट है वो नौशिया एंड वॉमिटिंग, यानी जी मिचलाना और उल्टी होना। काफी लोगों को डायलिसिस में उल्टिया और जी मिचलाना होता है, लेकिन ये जनरली शॉर्ट टर्म समस्या होती है, लेकिन इसके वजह से खान पान में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं और खान पान में प्रॉब्लम की वजह से वीकनेस आते जाता है। और आप देखेंगे कि जिसका डायलिसिस चल रहा है वो नॉर्मल जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकता, नॉर्मल काम नहीं कर सकता, नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकता। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो डायलिसिस का मैं ये कहूँगा कि नॉर्मल लाइफ से ये पेशेंट हटा हुआ ही रहता है, नॉर्मल मेन स्ट्रीम में कभी नहीं आता। इसके बाद पांचवा कॉमन साइड इफेक्ट है हेडेक। जैसे मैंने एक बताया था आपको फर्स्ट साइड इफेक्ट की ब्लड प्रेशर कम होता है, तो ब्लड प्रेशर कम होता है यूजुअली ज्यादा होता है, तो ये कम ज्यादा में हेडेक की काफी मात्रा देखी गई है। तो हेडेक चक्कर के साथ हो सकता है, उल्टी के साथ हो सकता है, तो ये सर दर्द भी बना रहता है काफी सारे पेशेंट्स में और ये अगेन कॉमन साइड इफेक्ट कहा जाता है। छठा पॉइंट एक बहुत कॉमन पॉइंट है जो काफी सारे पेशेंट में देखा जाता है, वो है खुजली। शरीर में जगह जगह एक अजीब सा इरिटेशन होता है और खुजली सा फीलिंग होता है, तो ये बहुत कॉमन पॉइंट पाया गया है। इसका रिलेशन भी कहीं फ्लूइड इंबैलेंस की वजह से हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की वजह से हो सकता है, और फ्लूइड इंबैलेंस के कारण ड्राइनेस भी होता है और ड्राइनेस का रिलेशन भी इचिंग से हो सकता है। तो ऐसा है तो कोई भी आप सिंपल सा मॉइस्चराइजर लगाइएगा, आपको राहत मिल सकती है। एनीमिया, जैसे कि आपको पता है कि क्रॉनिक किडनी डिसीज या CKD या किडनी फेलियर में वैसे भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, क्योंकि किडनी फेल होने के कारण इरिथ्रोपोएटिन का सिक्रेशन कम होता है और किडनी से जो इरिथ्रोपोएटिन निकलता है उसका काम होता है ब्लड बनाना, तो इरिथ्रोपोएटिन कम है तो हीमोग्लोबिन कम होता है। लेकिन डायलिसिस की वजह से भी हीमोग्लोबिन कम रहता है। डायलिसिस की वजह से एक तो RBCs ब्रेक होते हैं या फिल्टर हो जाते हैं, जो भी होता है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन कम रखने में सहायक हो सकता है, जो कि हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। और एक तरफ हम एनीमिया से परेशान है और दूसरा डायलिसिस कारण और एनीमिया मेंटेन्ड है, तो हम इरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन लेते हैं खून बढ़ाने के लिए और डायलिसिस करते हैं वो अगेन खून को कम कर देता है, तो ये एक विशियस साइकिल है जिससे वो डायलिसिस का मरीज कभी निकल नहीं पाता। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहूंगा मैं, ये है फ्लूइड ओवरलोड या डिहाइड्रेशन। देखिए फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन करना किडनी फेलियर पेशेंट में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, लेकिन डायलिसिस के पेशेंट में जनरली फ्लूइड का इम्बैलेंस होता है और इससे पेशेंट्स को तकलीफ हो सकती है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है अमाइलॉइडोसिस। अमाइलॉइडोसिस मतलब एक खास तरह का प्रोटीन्स अलग अलग तरह से ऑर्गन्स में जमा होना, ये क्रॉनिकली बाकी ऑर्गन्स को भी खराब कर सकता है। तो ये थे नॉर्मल साइड इफेक्ट जो आपको पता है, नहीं पता है कॉमनली काफी लोग बताते हैं, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा इसके बाद वो मौका आता है। मैंने कहा था सबसे जरूरी पॉइंट मैं जो बताऊंगा, ये साइड इफेक्ट्स तो है और ये लंबे जब चलते हैं साइड इफेक्ट्स तो पूरे हेल्थ को खराब कर सकते हैं, करियर को भी खराब कर देते हैं, फाइनेंशियली लॉस होता है, करियर वाइज लॉस होता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो उस पेशेंट को होता है वो है उसकी मानसिकता का। वैसे मैं मेंटल और साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स ऑफ डायलिसिस पर अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन ये एक पॉइंट यहाँ बताना बेहद जरूरी है। सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि जब डायलिसिस से फायदा होते हुए दिखता है तो कहीं ना कहीं मन में ये धारणा या गलतफहमी बन जाती है कि यही सही इलाज है। ये गलतफहमी है, मैं क्लियरली बता दूं, ये इलाज नहीं होता। लेकिन डायलिसिस में एक बार जो व्यक्ति पड़ गया, हमने देखा है वो दूसरा कोई इलाज करना भी नहीं चाहता, करने की कोशिश भी नहीं करता, वो ढूंढता भी नहीं है, मतलब
किडनी फेलियर का पेशेंट जो कोशिश कर सकता है ऑल्टरनेटिव साइंसेस, हीलिंग साइंसेस और तरीके एक बार डायलिसिस शुरू कर दे, मैक्सिमम टाइम कोशिश छोड़ देता है। ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है डायलिसिस का। अगर आप चाहते हैं कि ये मेंटल साइड इफेक्ट्स ऑफ डायलिसिस या मानसिकता वाले जो हानिकारक परिणाम है उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो जरूर बताइएगा, मैं इसका वीडियो डेफिनेटली अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये जो फिजिकल साइड इफेक्ट्स है इनसे कई गुना ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं मेंटल साइड इफेक्ट्स ऑफ डायलिसिस। तो अगर आप चाहते हैं इसका वीडियो मैं बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बहुत सारे लोग लगातार डायलिसिस कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट भी भुगत रहे हैं, अलर्टनेस नहीं है। सो अगर आप ये शेयर करते हैं तो उन्हें इसका फायदा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिएगा, और आपको लगता है इसके बारे में और यूनिक कॉन्टेंट आपको देते रहो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन हिट कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। एडवांस हेल्थ जाना जाता है यूनिक कंटेंट के लिए, तो मैं आपके लिए ऐसे यूनिक कंटेंट लाते रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आप भी रहे हेल्दी, आपके फ्रेंड्स भी रहे हेल्दी। बाय बाय।